हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी वीडियो सेशन फ्रॉम इंपॉर्टेंटमी स्टूडियो प्लेसिबो आई एम योर बायोलॉजी बयालॉजी विपिन कुमार शर्मा एंड हियर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हम लोग तैयारी करते हैं नीट की सो लेट्स क्रैक इट गाइस सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए अगर रेस्पिरेशन का सवाल पूछा गया है डायरेक्टली ईदर फ्रॉम ग्लाइकोलिस और फ्रॉम क्रैब साइकिल या फिर ईटीएस यानी कि अगर आप क्रैब साइकिल को ठीक से कर लेते हैं देन योर प्रॉबिलिटी ऑफ आंसरिंग वन क्वेश्चन डायरेक्टली बिकम्स वेरी वेरी प्रॉबेबल यानी कि अगर इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन करने की प्रॉबिलिटी जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी सो so, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग टॉपिक में से एक है तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और एक सिंपल सी लाइन के फॉर्म में इसके सारे के सारे सब स्टेट्स को हम याद कर लेंगे सिंस यू आर रीडिंग दिस टॉपिक इन इलेवेंथ क्लास एंड इट इज नॉट दैट मच इलेबोरेटेड जब आप आगे चल के फर्स्ट सेमेस्टर में बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर वेन यू विल गो टू योर रिसर्च क्लासेस और योर बी एस सी और योर एम एस सी तो आपको क्रैप साइकिल का रेगुलेशन भी पढ़ाया जाएगा इसके सारे के सारे एंजाइम्स भी पढ़ाए जाएंगे द बेसिक मशीनरी वॉज ऑल्सो टोल्ड टू यू इन दोचर्स सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे लेकिन वेन इट कम्स टू द क्लास ऑफ इलेवेंथ क्लास इतने सारे झमेले में आप लोगों को नहीं पढ़ना है वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कौन से पोजीशन पर कौन से स्टेप पे कितने आपके ए निकले कितने आपके एन ए निकल रहे हैं कितने आपके एफ एडीएस निकल रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट अदर देन दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लेवल ओके सो आप अपने लेवल के हिसाब से अगर पढ़ेंगे जितना आपको जरूरत है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल जिससे कि आप और भी डेटा आजू बाजू का ले सकें अगर आप पूरा फोकस एक ही टॉपिक पर लगा देंगे दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल एनी हाउ

द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर इज कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है ऑन टेलीग्राम सो so अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस के टॉपिक्स उनकी टाइमिंग वगैरह से वाकिफ होना चाहते हैं अगर YouTube sessions की यूट्यूबिंग में कोई fluctuations होती है अगर आप उनसे वाकिफ होना चाहते हैं तो बेसिकली यू कैन जस्ट इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आप इसे ओपन कर लीजिए और सर्च आइकन पे जाके सर्च कीजिए नीट प्लेसिबो जैसे ही आप लोग हमारी टीम का नाम डालेंगे इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू आपके पास हमारे टीम से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी और आप लोगों को सारी की सारी चीजें ऑन टाइमली बेसिस दैट आई आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नीट टू यूपीएससी यू कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म और आप अपने घर पर बैठ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर हम आपका थ्योरेटिकल कोर्स तो कंप्लीट कराते हैं ही यानी कि थ्योरी का आपका जितना भी सिलेबस है बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ज्यादा सॉलिड हो तो यहाँ पर आपके क्विजेज और यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट पर स्पेशल एम्फोसाइज किया जाता है तो बेसिकली आपको एक ओवरऑल पैकेज मिलता है जिससे आपकी तैयारी ब्रिलियंट होती है एजुकेटर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट सो दैट यू कैन यूटिलाइज देम फॉर अ बेटर प्रिपरेशन डाउट क्लियरिंग क्लासेस यहाँ पर होती है आप लोगों के लिए सो इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप लाइव क्लास में मुझसे पढ़ रहे हैं आप तब की तब मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर वी डू हैव डेडिकेटेड डाउट सेशन फॉर दैट

और ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं जो कि प्लस पे आने वाले हैं तो इतने सारे मल्टीपल एजुकेटर्स और इतने सारे मल्टीपल कोर्स आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा इवन इफ यू स्किप सम सॉर्ट ऑफ कोर्स तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन भी मिलेंगे किस तरीके से जुड़ना है आपको हमसे आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर नीचे जाइए प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको प्लस वाले आइकन पे जाना पड़ेगा और राइट right? उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपना पसंदीदा पैक उठा लीजिए

कि ईएमपी पाथवे में हमने पढ़ लिया था दैट इट इज अ टेन स्टेप लीनियर पाथवे ओके सो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं टेन स्टेप दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ लीनियर पाथवे ओके क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल दैट इज नॉट लीनियर वो एक सर्कुलर पाथवे है इसीलिए मैं यहां पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं देन यहां पर क्या हो रहा था यहां पे ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और द पाइरुविक एसिड पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था आपका ग्लूकोज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूलिक्यूल कार्बन के शुगर इज ब्रेकिंग डाउन ओवर हियर ऑलराइट सो यहां पर आपका इस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ था देन ये जो पायरुवेट था माय फ्रेंड्स ये पायरुवेट एक लिंक रिएक्शन से होते हुए फिर आपका बनाता है एसिटाइल ए

यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में यानी कि आपको जो बेसिक साइकिल मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं सो इट इज कॉल्ड एज क्रैप साइकिल बट ग्लाइकोलिस इज नॉट कॉल्ड एज ग्लाइकोलिटिक साइकिल क्योंकि वो एक साइकिल है ही नहीं जैसा मैंने यहां पर मेंशन किया दैट इट इज अ लीनियर पाथवे और लीनियर जो पाथवे होती है वो कभी भी साइकिल्स की कैटेगरी में नहीं आती सो so, मिसकनसेप्शन दिमाग से ये निकाल देना है कि ग्लाइकोलिसिस भी एक साइकिल है जब भी आप ग्लाइकोलिस का नाम लें जस्ट इट एज अ शॉर्ट शॉर्ट पाथवे उसे साइकिल कभी मत बोलना क्रैप साइकिल इज अ साइकिल बिकॉज वो एक सर्कुलर फॉर्म में चलती है जहां से वो स्टार्ट होती है वहीं वो खत्म होती है द ट्रिक इज वेरी सिंपल देर इज अ डिटेक्टिव जिसका नाम है करण सो so, करण को फॉरन माफिया ऑपरेशन सॉल्व करने हैं सो so, एक हायर अथॉरिटी के पास करण का जो है प्रोफाइल भेजा गया और हायर अथॉरिटीज से ये पूछती है कि क्या करण ये फॉरेन माफिया सॉल्व कर पाएगा दैट इज अ ट्रिक कोई ज्यादा झमेला नहीं सिंपल इंग्लिश वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं कोई बीच में गैप नहीं है और बिल्कुल फुल प्रूफ ट्रिक है कुछ ना कुछ ज्यादा ही आपको सबस्टेट मिलेंगे एज गि इन एनसीआर दो सबस्टेट आपको यहां पे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है उससे कैन इंटेलिजेंट करण ओके क्या इंटेलिजेंट करण सॉल्व कर सकता है

एनएडी कितने निकले एफ कितने निकले सारा का सारा डेटा आपको अलग से एक बहुत ही अच्छी शीट के फॉर्म में दिया जाएगा जहां पर मैं आपको पूरी समरी करवाऊंगा ग्लाइकोलिस तो जितने होंगे सारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे ओके हेयर यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द सबस्ट्रेट्स ऑफ क्रैप साइकिल यहाँ पे आपको सिर्फ सबस्ट्रेट्स पर अच्छा खासा ध्यान देना है एंड जस्ट मेक श्योर कि आपको साइकिल एक बार बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए ऑल राइट

तीन कार्बन वाले कंपाउंड से दो कार्बन का एक कंपाउंड बन रहा है इट मीस एक कार्बन कहीं ना कहीं लूज हुआ है वो कार्बन कहा लूज होता है okay? बाहर निकल जाता है Then यहां पे की जो कि हम लोग नहीं देखेंगे और ए कहां से आया ए के लिए हमारे पास यहाँ पर डोनर्स प्रेजेंट होते हैं सो ग्लूकोज फर्स्टली गॉट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज योलिस सॉरी <coughs> इसके बाद जो आपका पायरुएट है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये हीरो वाली एंट्री मारता है आपका क्रैब साइकिल के अंदर नाउ यहां पर देखने वाली चीज ये है माय फ्रेंड्स कि यहां पर कौन कौन से कंपाउंड्स में कितने कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे सबसे पहली बात जो आप स्टार्ट करते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर है पहले मैं आपको साइकिल समझा देता हूं उसके बाद आई लेट यू नो कि कौन से ट्रिक के किस वर्ड का क्या मतलब था पहले हम लोग कंसेप्चुअली साइकिल को देख लेते हैं

दूसरी बात हमने इसे बोला था टीसीए साइकिल दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ट्राई का मतलब होता है तीन और कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल यानी कि ये जो आपका सिट्रिक एसिड होगा दोस्तों इसमें तीन कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है अगर आप सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सीओओ ग्रुप जो होंगे वो तीन होंगे नंबर में दैट्स वाई क्योंकि ये पहला

तो so, पांच कार्बन के इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिट्रिक एसिड से एक कार्बन निकालना पड़ेगा दोबारा ये कार्बन किस फॉर्म में निकलता है रिएक्शन रिएक्शन पे हो जाती है है दोस्तों ओके डी का मतलब होता है लूज करना एंड कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो आपका इस छह कार्बन के कंपाउंड से निकल जाएगा सो दैट द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बिकम फाइव कार्बन कंपाउंड इसी तरीके से यहां पर दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगी सो दैट द फर्दर रिजल्टेंट कंपाउंड्स बिकम फोर कार्बन और इसी तरीके से आपके जो है चार कार्बन के कंपाउंड्स फिर चलते जाएंगे एंड इट विल अगेन बिकम ऑक्सैलो एसिटेट और द ऑक्सैलो एसिड फिर से वो ऑक्सैलो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करेगा चार कार्बन का ऑक्सैलो एसिटेट दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए दोबारा छह कार्बन का सिट्रिक एसिड बना लेंगे एंड सो ऑन इस तरीके से पूरी साइकिल चलती जाएगी लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है वो ये देखनी है कि नाम क्या क्या है इन सारी चीजों के तो एक बार मैं इस पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं जिससे कि हमारे ट्रिक में जो नाम थे वो हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सके और कौन कौन से एडिशनल सबस्टेट आपको यहां पर देखने को मिले वो भी मैं आप लोगों को बता सकूं क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबस्टेट के बारे में जरूर मिलेगी इन एनसीआर ये साइकिल सिर्फ उतनी दी हुई है जितनी आपके लिए जरूरी है जिस स्टेप पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो रखा है लेकिन वेन यू विल गो टू हायर क्लासेस या फिर अगर आप किसी और मॉड्यूल में भी देखेंगे तो आपको एक दो एडिशनल जरूर मिलेंगे जो कि होते ही हैं, ओके okay? तो so, कुछ हम उन सबस्टेट को भी एड करेंगे यहां पर कैन से हमने शुरुआत की थी कैन ओके एसिड कैन इंटेलिजेंट कर ओके इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट का मतलब दोस्तों यहां पर है आइसोसिट्रेट ओके okay? सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है तो आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड वो सिट्रिक एसिड का ही आइसोमर है तो काफी बार आपका वो स्टेप नहीं दिखाया जाता बट इट इज प्रेजेंट ओके okay? सो so जस्ट जो ग्रुप्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ग्रुप गॉट कन्वर्टेड इन टू अनदर वन और आइसोमर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटेलिजेंट तो, तो वहां पे आपका आइसोसिट्रेट आना चाहिए था बीच में आपका भी बनता है उस प्रोसेस को अभी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं ओके okay? तो बहुत सारी चीजें यहां पर फिर आपको अप कर देंगी सो कैन इंटेलिजेंट आपको लेकिन उतनी चीजें बता दी जाएंगी जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिनमें आपका काम पूरा चल जाएगा कुछ भी स्किप नहीं होगा ओके okay? क्योंकि सिस स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस है जो आपको हायर क्लासेस में काम आएगी अभी आपके काम नहीं आएगी सो यू नीड टू अंडरस्टैंड की सी हेयर मीन्स सिट्रिक एसिड इंटेलिजेंट का आई सिंपली मीन्स वी सोसिट्रेट ओवर हेयर करन सिंपली मीन्स के दैट इज कीटो ग्लूटेरिक एसिड ओके क्योंकि अल्फा एक प्री नेम वर्ड है जो आप यहां पे यूज कर रहे हैं इट इज जस्ट रिलेटेड टू द कंफर्मेशन ओके करण। कैन इंटेलिजेंट करण। अगला आपका सॉल्व ओके सॉल्व में एस फॉरन ओके फॉरन में यहां पर आपका एफ से कुछ नहीं प्रेजेंट है लेकिन फॉरन में यहां पर दोस्तों फ्यूमरेट प्रेजेंट होता है ओके okay? या फिर फ्यूमेरिक एसिड सो बेसिकली एफ फॉर योर फ्यूमरेट ओवर हेयर न इंटेलिजेंट करन सोल्व फॉरन माफिया आएगा उसके बाद तो माफिया में आपका एम ए बेसिकली मीन मैलिक एसिड ऑपरेशन सिंपली मीनो कैन इंटेलिजेंट कर मतलब है आपका इंटेलिजेंट okay? का मतलब है आइसोसिट्रेट करन का मतलब है कीटोग्लुट सोल्व का मतलब है यहां पर सक्सीनेट ओके, फॉरन का मतलब है आपका फ्यूमरेट माफिया का मतलब है आपका मैलेट और ऑपरेशन का मतलब है ऑक्सैलो एसिटेट सो आपको इस तरीके से पूरी साइकिल के सबस्टेट याद हो जाएंगे इनिशियल चीज आपको जो याद रखनी है किस तरीके से क्या आके मिलता है उसमें चार कार्बन का ऑक्जेलो एसिटेट आके मिलता है सो हियर फोर कार्बन प्लस टू कार्बन इज टू सिक्स कार्बन यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो ये आपका माइनस हो गया एंड इट विल बिकम अ फाइव कार्बन प्रोडक्ट यहां पे फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो पांच से एक और कम हो जाएगा चार बचेगा यहां पे आप लोग देख रहे हैं दैट इज नो डीकार्बोक्सिलेशन तो चार वाला जो फॉर्म था ये आपका प्रिजर्व होते चला गया और इसने आपका ऑक्जेलो एसिटेट बना लिया और राइट सो दिस इज द बेसिक स्कीम ऑफ क्रैप साइकिल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू हिट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन सो बेसिकली अगर आपको यह लाइन समझ में आई

कॉलम पे क्लिक करना है जिससे कि आपके पास सारी के सारी रिलेवेंट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए चाहे वो हमारी स्टोरीज हो चाहे वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट हो या फिर हमारी वीडियोस हो और मेरे जो सेशंस हैं उनकी टाइमिंग्स बेसिकली 6:30 और टेन पी रहती है रात को अभी फिलहाल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है सो अमूल्य गुप्ता जो है उनकी सीरीज अभी चल रही है सो so थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है बट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट माई लेक्चर्स तो प्लीज आप जो है मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं और अप्रिशिएट करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं इफ यू रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स और अगर आपको कोई और भी एडिशनल टॉपिक्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू सो मच गाइस स्टे ट्यून्ड बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट थैंक यू